हरियाणा में इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ा दी गई है। किसान आंदोलन को देखते हुए पाबंदी बढ़ा दी गई है। दूसरी दफा है कि इस पाबंदी को बढ़ाया गया। 20 फरवरी रात 12 बजे तक इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी। ये पाबंदी आगे भी बढ़ाई जा सकती है क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के किसान फैसला कर चुके हैं कल 11 बजे दिल्ली कूच का, और हरियाणा के किसान खाप संगठनों की तरफ से भी आज महापंचायत के बाद फैसला लिया जाएगा। ऐसे में संभावनाएं यही हैं, आसार यही हैं कि पाबंदी को फिर से बढ़ाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की डेट शीट जारी हुई है। 27 फरवरी से 2 अप्रैल तक परीक्षाएं चलेंगी। प्रवेश पत्र बोर्ड वेबसाइट से लिए जा सकेंगे, डाउनलोड यहां से हो जाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने इस बारे में ये जानकारी दी है, कहा कि हर परीक्षा केंद्र पर स्थायी तौर से 2 ऑब्जर्वर की नियुक्ति रहेगी। नकल रहित परीक्षाओं का इस बार भी संकल्प लिया गया है। तो हरियाणा बोर्ड की तरफ से डेट शीट का ऐलान किया है, 27 फरवरी से 2 अप्रैल तक ये बोर्ड की परीक्षाएं चलेंगी। मार्च में जो परीक्षाएं शुरू होने वाली है 27 फरवरी से, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी हरियाणा ओपन स्कूल की डीएलएड की इनके जो एडमिट कार्ड्स है कल से जारी हो जाएंगे। सुबह से बच्चे स्टूडेंट्स अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, तो यह आज मुख्य उद्देश्य है। साथ में ही हमने अपना पास फॉर्मूला जो है क्लास टेंथ में सेकेंडरी में इस बार उसमें सुधार लाया, उसको बदला है। तो इस बार जो पास फॉर्मूला ये रहेगा कि सेकेंडरी क्लास में टेंथ में जो 33 मार्क्स लेने होते हैं वो पहले दोनों में अलग अलग 33% मार्क्स लेने होते थे। इंटरनल असेसमेंट का जो 20 नंबर था उसमें से 33%, और जो थ्योरी पेपर जो 80 नंबर का होता उसमें से भी 33% अलग अलग लेने होते थे। लेकिन इस बार से कुल मिलाकर दोनों में 33% लेने पर विद्यार्थी को पास घोषित कर दिया जाएगा। उधर एक बार फिर से हरियाणा में मौसम ने करवट ली। कल कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई तो पंचकुला हिसार में ओलावृष्टि हुई। तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था, 2 दिन का अलर्ट था। तेज हवाओं को लेकर भी अलर्ट था, लेकिन साथ ही करीब 16 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई थी। पंचकुला हिसार में कल खूब ओले गिरे हैं, इससे खासतौर पर किसानों के लिए चिंताएं जरूर बढ़ गई हैं। फसलें पककर तैयार हैं, ऐसे में काफी नुकसान हो सकता है। आगे 2 दिनों के लिए भी चेताया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि बूंदाबांदी के साथ ही ओलावृष्टि भी हो सकती है। उधर करनाल के अमृतपुर कला में एक बड़ा हादसा हो गया जब सुबह करीब 4 बजे सिलेंडर से भरा ट्रक एक घर की दीवार में घुस गया। इस हादसे में घर की दीवार ढह गई। घर के बाहर खड़ा ऑटो और बाइक भी ट्रक की चपेट में आ गया। ट्रक चालक को नींद की झपकी आने की वजह से बताया गया कि हादसा हुआ है। गनीमत रही कि किसी भी तरह का जान नुकसान नहीं हुआ, लेकिन परिवार चिंता में है कि उनके नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा। ठीक जी, यू ही थी कमाई, हुई तोड़ कर चला गया। ये बताओ क्या करे जी, 2-2.5 लाख रुपए का ऑटो बच रहे थे जिस तक कमाई कर रहे थे, 10-20-30 हज़ार रुपये महीना कमा लेते मैडम, जिस तक अपना यू रद्द हो गया जी। सुबह कैसे क्या काफी जोरदार आवाज आई, 3 बजे के आसपास की बात है जी। हम तो सो रहे थे अंदर, वो जोर से आवाज आई, हमारी चाची उठी, हमारी चाची ने उठाया हमारे को भी सारों को जी, बोले बाहर कोई आवाज आई, देखे आगे यहाँ ऑटो साइड में लगा रखा था। रोज लगता था जी, मेरे ख्याल से 15-20 साल से हमारे बाबा जी चलाते हैं, जो यहीं खड़ा रहता था ऑटो। आज पहली बार ये हादसा हुआ हमारे साथ जी। ऑटो देखा है, आगे ऑटो ही नहीं मिला, ऑटो साइड में मिला, ये आगे से सारा इनका मालिक से।